झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर मंगलवार को 3 दिवसीय आंदोलन के क्रम में पहले दिन मौन धरना का आयोजन किया गया, जिसमें धरनार्थियों ने मुंह पर पट्टी बांधकर राज्य सरकार को मूक बधिर की सरकार बताया। धरनार्थियों के हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया। तख्तियों पर दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतन मान चाहिए, जैसे नारे लिखे हुए थे। मौके पर संघ के वक्ताओं ने मांग किया कि मानदेय में वृद्धि, पीएफ कटौती, चिकित्सा एवं समूह बीमा, अनुकंपा राशि और सेवानिवृत्त नियमितकरण जैसे मुद्दों को लेकर वो लोग पिछले 7 वर्षों से संघर्षरत हैं, किंतु सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। हम लोग अपने विलंबित 7 सालों से जो मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है उसके लिए बैठे हैं। 7 सालों से हमारा मानदेय वृद्धि नहीं हो रहा, पीएफ कटौती नहीं हो रही है, साथ ही हमें नियमितकरण नहीं किया जा रहा है। हम लोग समर शिक्षा अभियान में कार्यरत रिसोर्स शिक्षक एवं फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम लोग RCI द्वारा निबंधन है और सभी वेल ट्रेंड है। इसके लिए 7 सालों से परियोजना कर्मी के सभी कर्मियों का मानदेय 3 गुना बढ़ गई है, जिसकी 12,000 हुआ करती थी, आज 36,000 है आज। मगर हम लोगों का जो 2014 में जो मानदेय था आज भी वही है, अकल भी वही था। विगत हर साल हमारे साथ एग्रीमेंट होती है शिक्षा सचिव की, झारखंड सरकार की, मगर जब धरना बैठते हैं मगर उसके बाद उसे बंद फाइल में फेंक दिया जाता है हमारी मांगों को। 7 सालों से इसे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसी के लिए आज हम लोग मुंह में पट्टी और आंख में काला पट्टी बांध के बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है कि 7 सालों से जो हमारा मानदेय वृद्धि नहीं हुआ है, हमारी नियमितकरण नहीं हुआ है, हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए काम करते हैं पूरे झारखंड में, और ये झारखंड के हर जिला से लोग आए हुए हैं। गिरिडीह है, बोकारो है, हजारीबाग से है, रामगढ़ से है, सभी जगह जिला से, कुछ जिला से लोग अभी आए हुए हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं और भी लोग आ रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम लोग कल अपने जो कार्यालय है और जो DC ऑफिस है सब जगह अपना श्रमदान करके झाड़ू लगाएंगे उनके कार्यालय के बाहर।